हेलो फ्रेंड्स, मैं सीए राकेश सिंगल, रिसर्च एनालिस्ट, और आपका स्वागत है हमारी डेली सीरीज कल के बाजार में क्या करें। तो सबसे पहले हम इसमें आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल तो देते ही हैं, इसके साथ ही साथ हम आपको बताएंगे एक शॉर्ट टर्म पिक, और उसके अलावा आपके दर्शकों के जो सवाल हैं वो भी हम लेंगे इसमें। तो सबसे पहले बात करते हैं आज की यानी 17 अप्रैल के बाजार की। तो आज निफ्टी ओपन हुआ 9323 पर, जो कि एक 300 पॉइंट्स का गैप था पिछली क्लोजिंग से, लेकिन वहां पर निफ्टी सस्टेन नहीं कर पाया। प्रॉफिट बुकिंग का कारण निफ्टी नीचे आ गया और निफ्टी ने 9091 का लो लगाया ड्यूरिंग द डे, लेकिन उसके बाद निफ्टी में दोबारा से बाइंग स्टार्ट हुई और निफ्टी फाइनली 9267 पर क्लोज हुआ। निफ्टी का चार्ट आपकी स्क्रीन पर है। कल यानी 20 अप्रैल को जब मंडे को बाजार खुलेंगे, तो अगर निफ्टी 9400 के लेवल को ब्रेक करता है तो हम 9500 तक के लेवल देख सकते हैं, लेकिन अगर प्रॉफिट 9400 के लेवल पे हमें लगता है कि एक प्रॉफिट बुकिंग आनी चाहिए और उसके बाद निफ्टी 9150 से लेकर 9000 तक के लेवल देख सकता है, हमारे व्यू उछाल पे बेकवाली का ही है। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। आज बैंक निफ्टी भी गैप अप ओपनिंग हुआ और 20395 पर ओपनिंग हुआ, जो कि लगभग पिछले क्लोजिंग से जो कि 19 था करीब 900 पॉइंट ऊपर था, और लेकिन वो भी सस्टेन नहीं कर पाया और प्रॉफिट बुकिंग की वजह से उसने 19729 का लो लगाया। लेकिन ड्यूरिंग द डे दोबारा से बैंक निफ्टी में स्टार्ट हुई और बैंक निफ्टी ने 20866 का हाई लगाया और फाइनली बैंक निफ्टी ने 20681 पर क्लोजिंग की। बैंक निफ्टी का चार्ट आपकी स्क्रीन पर। अगर हम कल यानी 20 अप्रैल को जब मंडे बाजार खुलेंगे तो हम बैंक निफ्टी की बात करें, तो बैंक निफ्टी अगर 21000 के लेवल को तोड़ता है और सस्टेन करता है तो हम 21500 तक के लेवल देख सकते हैं, अदरवाइज 21000 के लेवल पे एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है जो कि निफ्टी को 20500 से लेकर 19700 तक के लेवल पे ले जा सकती है। अब बात करते हैं पिक ऑफ द डे की। तो पिक ऑफ द डे, आज का पिक ऑफ द डे है आदित्य बिरला फैशन लिमिटेड ABFRL। इसका आज का प्राइस, क्लोजिंग प्राइस था 143। आप इस स्टॉक को 134 से 138 की रेंज में खरीद सकते हैं। हमारा टारगेट प्राइस 150 से 154 का है, जो कि लगभग 11% की अपसाइड है अगले 15 से 30 दिन में। स्टॉप लॉस 128 रुपए का स्टिकली क्लोजिंग बेस पर लगाएं। स्टॉक वीकली चार्ट पर और मंथली चार्ट पर बहुत स्ट्रांग मूव बना रहा है, साथ ही वीकली स्लो स्टॉक पर एक रिवर्सल देखा जा रहा है और साथ ही RSI में भी एक वीकली RSI में भी एक रिवर्सल देखा जा रहा है, तो इस वजह से हम ये स्टॉक को रिकमेंड कर रहे हैं। आज का क्वेश्चन है राहुल यादव जी का टाटा मोटर DBR पर। इनके पास 650 शेयर्स हैं @175। अब ये कह रहे हैं कि क्या करें, आज का भाव है करीब 36 रुपए है। तो राहुल जी, मेरे को लगता है कि डाउनसाइड में 30 रुपए से ज्यादा नीचे तो नहीं जाना चाहिए, क्योंकि टाटा मोटर का स्टॉक है, 30 रुपए पे एक अच्छा सपोर्ट है, तो उसको ब्रेक नहीं करना चाहिए। और ऊपर में अगर 50 रुपए का लेवल ब्रेक करेगा तो हम 70 रुपए तक के लेवल ही देख पाएंगे और उसके बाद ही हम फर्दर व्यू दे सकते हैं, तो हमें ऐसा लगता है। और जो आपके लेवल है, आपके 175 का लेवल है, तो काफ़ी आपको वेट करना पड़ेगा। मुझे लगता है कम से कम 3 से 4 साल आपको वेट करना पड़ेगा, तभी जो आपके प्राइस आ सकते हैं। अगर आप इतना होल्ड कर सकते हैं तो ही रुकें, अदरवाइज अपना लॉस बुक करें और पोजीशन को काटें। इसके अलावा अगर आपको अपने किसी पार्टिकुलर स्टॉक को लेकर कोई क्वेश्चन है तो आप हमसे जरूर पूछें, हम उनका आंसर देने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ हमारे वीडियो को देखते रहें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमें घर पर ही रहें और स्वस्थ रहें। धन्यवाद।